गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है, ओके। तो इसके पूर्व क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि बाढ़ की परिभाषा, बाढ़ आने का क्या कारण है और बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग इसके पूर्व क्लास में समझ चुके थे, आज पुनः आपके सामने मैं बाढ़ से संबंधित लेकर आया हूँ कि बाढ़ के कितने प्रकार होते हैं। हम लोग जितनी या स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि बाढ़ सीधे बोलते कि बाढ़ है आ गया, ऐसा नहीं है, उसके प्रकार भी होते हैं। तो हम लोग जब इसको बारे में जानेंगे तो उसको विस्तृत रूप से जानना चाहिए कि बाढ़ कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताते हैं कि बाढ़ के विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे फर्स्ट में बरसाती बाढ़, रेनफॉल फ्लक्स, उसके अंतर्गत आते हैं भारी वर्षा से बाढ़, एकाकी बाढ़ घटना, बाढ़ की अनेकानेक घटनाएं, यथार्थ बरसाती बाढ़ के अंदर इतने बाढ़ें आती है। उसके बाद हम आते हैं आकस्मिक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, इसके अंतर्गत आते हैं बादल फटना, पानी की अस्थायी अवरूपता। ठीक है, फिर आप आगे आते हैं मौसमी बाढ़, सीजनल फ्लड्स, फिर आते हैं वर्षा से आई बाढ़ के अतिरिक्त बरसात, जिसके अंतर्गत आते हैं हिम का पिघलना, बर्फ का पिघलना। उसके बाद आते हैं गैर वर्षण बाढ़, नॉन प्रिसिपिटेशन फ्लड्स, जिसके अंतर्गत आते हैं ज्वारमुखी बाढ़ और दूसरा तटीय बाढ़। उसके बाद चक्रवाती तूफानों से आया तूफानी सर्ज, बांध के टूटने से उत्पन्न बाढ़, समुद्र के अधोलोक में भूकंप आने के कारण उत्पन्न सुनामी, नहरों और नदी के तटबंधों में विच्छेद से उत्पन्न बाढ़। यानी कि आप समझ गए कि बाढ़ कितने प्रकार के होते हैं। खाली सिर्फ एक कारण से नहीं होता कि बाढ़ आ गया, तो आप विस्तृत रूप से समझ गए कि बाढ़ के कितने प्रकार होते हैं। क्या किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई कठिनाई हो रहा है समझने में या कुछ और पूछना है बाढ़ से संबंधित, तो खड़े होकर तो पूछ सकते हैं। नहीं, इस तरह कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, आज हम अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ।